मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मानखुर्द इलाके के लल्लू भाई कंपाउंड में एक शौचालय में 18 साल के एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस हत्या के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और काफी हंगामा हुआ। किसी तरह से पुलिस ने इस हंगामा कर रही भीड़ को संभाला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्या नशे को लेकर हुई है। जिस लड़के की हत्या हुई है उसका नाम तैयब खान, 18 वर्ष है। दरअसल MMRDA ने लल्लू भाई कंपाउंड स्थित शॉपिंग सेंटर के सामने ही एक शौचालय बनाया था 2005 में, मगर ये शौचालय लोगों के इस्तेमाल में नहीं आया। सिर्फ इसमें नशेड़ी जाया करते थे। एक तरह से कहें कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। शौचालय की शिकायत भी MMRDA से पत्र द्वारा लिखकर स्थानीय लोगों ने की कि इसे दुरुस्त किया जाए और लोगों के लिए खोला जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार इसी शौचालय में 18 साल के तैयब खान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के मामले में रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों को हिरासत में लिया है जिनकी उम्र काफ़ी कम। क्या हुआ मोहसिन? मेरे भांजे को रात में 9-10 बजे के टाइम पे घर पे से निकला तो मेरे भांजे को मार डाले मर्डर के लिए। लल्लू भाई चौकी इसका जवाबदार है तो लल्लू भाई चौकी जब तक लगा कर इसका नहीं लेगी तो मैं लल्लू भाई चौकी से उठू वाले उपासन पे थे। मैं आज उपासन डालने वाला हूँ लल्लू भाई चौकी के पास जाकर। बच्चे की उम्र कितनी थी? अच्छी थी। प्लीज मेरे भाई को जो भी मारा भाई आओ मेरे भाई लाइव आओ यार जो भी रहेगा लाइव आओ। और ये भी चाहिए लाइव आओ ना लाइव आओ पूरा मानपुर जल जाएगा। मानपुर जलाने का मेरे को मानपुर पूरा मेरे मानपुर जलाने का है। साथ जब तला नहीं मिलेगा जोड़ेंगे ना हम लोग। मेरा भाई जब कॉलेज जाता था अब इसका कॉलेज स्टूडेंट आने वाले हम लोग लल्लू भाई चौकी पूरा बना देंगे। इधर जाके मैं घास लेकर बाटला भी डाल कर भर जाऊंगा। जब जो आरोपी मारा यही मांगा दूसरा नहीं चाहिए। जब तक लगा था ये नहीं मिलेगा जब हम लोग लल्लू भाई से उठेंगे भी नहीं। मैं भी सोशल वर्क का काम करता हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए।